उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिले में से एक बड़ी घटना की सूचना सामने आई है। बता दें कि यहां दिल्ली से यात्रियों को ले जा रही वाहन अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। इस घटना में कई लोगों की मौत की भी सूचना मिली है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। घटना के संबंध में बता दें कि रुद्रप्रयाग के पास एक यात्री वाहन अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। इस वाहन में कुल 23 लोग सवार थे। गाड़ी सवार सभी लोग अलकनंदा नदी की तेज धार में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, DDRF सहित अन्य टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। बता दें कि नदी में लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है और अब तक 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं कुछ लोग घायल है जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना को लेकर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रुद्रप्रयाग में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद और दिल को झकझोर देने वाली है। घायलों को चिकित्सा के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है।